फिर से आप सभी का स्वागत है नए ब्लॉग में हिमांशु कदम के साथ। और जैसे कि मैं बात कर रहा था कि सारे भाइयों को राम राम मेरी तरफ से। और सुबह के बज रहे हैं 6 और नई साइकिल ले ली है फायरफॉक्स की, बैड एटीट्यूड। आज मन कर रहा है राइडिंग करने का, तो वो सोच रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन घूमने जाएं, क्योंकि सुबह मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, 6 बज रहे हैं। तो मिलते हैं ज़रा, आपको दिखाते हैं आपको साइकिल कैसी है और उसके साथ राइड के मज़े लेते हैं। और लाइफ में या सुबह जब आप उठते हो, कोई भी अचीवमेंट आपको करना है, जो आपका गोल है उसको अपने से लगा के रखिए, और जो भी आप करना चाहते हैं वो ज़रूर मिलेगा। मैं भी खुद फाइट कर रहा हूँ, मैं भी एक कैंसर फाइटर हूँ, 5 साल हो गए हैं मुझे, और अभी भी मैं अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ऐसे ही रोज़ सुबह उठ के वर्कआउट के लिए निकलता हूँ, और अब निकल रहा हूँ साइकिल राइड के लिए राष्ट्रपति भवन। और अभी रास्ते में मिलते हैं और अभी दिखाता हूँ आपको साइकिल के बारे में कि किस तरीके के फीचर्स है उसके। मिलते हैं आपसे नीचे। जैसे कि मैं बता रहा था, ये लिए साइकिल फायरफॉक्स की, बैड एटीट्यूड, हार्पून कंपनी की है। और यहाँ इसके फीचर्स मैं आपको बताता हूँ, शिमानो के गियर हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर है ब्रांड का नाम। और पतले टायर वाली भी है क्योंकि स्पीड वर्क काफ़ी अच्छा है इसका। और बस हमारे देखिए इस तरह की यहाँ से कलर इसका बहुत अच्छा है, लाइट वेट कलर है, स्काई ब्लू जो कि मेरा ही एक फेवरेट है। और जिस तरीके की ये गियर है, गियर देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। अब चलते हैं राइडिंग पे, आपको दिखा दिया साइकिल, अब मिलते हैं आपसे राष्ट्रपति भवन के रास्ते पे। दिया इसके थ्रू हम चलेंगे, क्योंकि कितने की स्पीड से चलती है, कितने किलोमीटर चलाई है, ये सब बताएगा। और कितनी टाइम जो कि चल रहा है, टाइम भी शो कर रहा है इसके अंदर। तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। चुके हनुमान मंदिर, जय श्री राम। और कितना खूबसूरत व्यू लग रहा है मॉर्निंग में। और आप भी हनुमान जी के भक्त हो तो सारे कमेंट में बताइएगा, जय श्री राम लिख के भेजिएगा। और काफ़ी मज़ा आ रहा है इस तरीके से, साइकिल काफ़ी स्मूथली चल रही है अभी, जिस तरीके से आप पैंडल मार रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। साइकिल यहीं से ली थी, चलने वाले मार्केट, साइकिल मार्केट से, फायरफॉक्स कंपनी की शॉप है, अंदर जाके आप मार्केट में कहीं पूछ सकते हैं। काफ़ी अच्छी है, स्मूथली चल रही है, पतले टायर वाली है, स्पीड काफ़ी अच्छी है। 5 मिनट में मैंने घर से यहाँ कवर कर लिया है, करोल बाग, हनुमान मंदिर, चूँकि एकनाथ प्लेस, नई दिल्ली, दिल्ली की कैपिटल। कितना अच्छा व्यू है यहाँ, ब्यूटीफुल प्लेस, क्या शानदार व्यू दिख रहा है मॉर्निंग का। गाइस आप भी आइए, मोटिवेट हो गए आप भी आके, घर पे सोने से कुछ नहीं मिलने वाला। गाइस सीपी आके यहाँ देखिए कितना अच्छा बच्चे खेल रहे हैं, और G20 लगा हुआ है, और हमारे देश का फ्लैग, और सूरज निकल चुका है, और काफ़ी अच्छा व्यू मॉर्निंग का, क्या मज़ा आ रहा है। लोग आए हुए हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, और बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। और लाइफ का यही पार्ट है कि आप लाइफ में बस इंजॉय करिए, कहीं पे भी हैं, क्योंकि फास्ट में जो आपके साथ हुआ है वो आपको सीखने को मिला है, और प्रेजेंट में जो आपके पास है उसे अपना बनाइए और हैप्पीनेस रहिए, क्योंकि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, सब फ्यूचर के लिए मेहनत कर रहे हैं। और अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो प्रेजेंट में रह के, खुश रह के जितनी मेहनत करेंगे उतना ही लाइफ में मज़ा आएगा, और अपने आप से बहुत खुशी भी मिलेगी। और आप देख ही सकते, Thank you.
बच्चे मज़ा आ रहा है देखकर, क्योंकि मैं भी क्रिकेट का मन करता है खेलने का, काफ़ी अच्छा लगता है ये चीज़ें देखकर। अगर बच्चे खेल रहे हैं खुशी मिलती है एक अलग ही, क्योंकि यही एक लाइफ है। इसके बाद अब जॉब लग जाती है, जब आप बच्चे बड़े हो जाते हैं, मेच्योर आ जाती है, घर की जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, फिर दरअसल में जो बचपन होता है उसको बड़ा मिस करते हैं। तो वही है, और इन कबूतरों को देखे कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने खूबसूरत व्यू दिख रहे हैं सुबह का। भाई भाई इतना खूबसूरत लग रहा है, पेड़ पौधों की इतना ऑक्सीजन मिल रही है, मज़ा आ रहा है सभी लाइट करके। अब आ चुके हैं इंडिया गेट के पास, देख सकते हैं और पीछे की तरफ देखिए कितना जबरदस्त मज़ा आ रहा है भाई। मौसम यार मौसम, क्योंकि G20 लगा हुआ है, G20 अलग ही लेवल का प्रो मज़ा आ रहा है। जो वाइफ मिलती है ना, मैं चाहता हूँ कि दोस्त दोस्त क्या हूँ, उन्होंने को मोटिवेट हो। आई फील यू, आई होप कि आप सभी कर पाएंगे सब चीज़ें। गाइस ये शिप देखी है, इंडियन कोस्ट गार्ड, समुद्री पहरे, क्या खूबसूरत है। अलग ही भाई भाड़िया यहाँ देख सकते हो, और G20 जो लगा हुआ आप देख सकते हैं, वेलकम टू G20 भारत 2023, और इंडिया गेट के जस्ट सामने पहुंचने वाले हैं, और सिक्योरिटी काफ़ी अलर्ट है यहाँ, हर जगह पुलिस वाले कमांडो खड़े हुए हैं। और वेरी स्पेशल डे, क्योंकि इंटरनेशनल डे 8-9-10 को लगने वाले हैं लॉकडाउन दिल्ली में, और हम सामने आ चुके हैं यहाँ से, काफ़ी अच्छा लगता है। काफ़ी सेकंड राइडर चला रहे हैं यहाँ, काफ़ी ओल्ड एज है, और क्योंकि फिट रहना बहुत ज़रूरी है साइकिल चलाते हुए। और यहाँ मॉर्निंग के टाइम पे यहाँ आपको मिलेंगे सारे बंदे मिलेंगे साइकिल के लिए, क्योंकि साइकिल चलाना बहुत हाई हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी है, हेल्थ इम्प्रूव होती है आपकी, और साइकिल चलाइएगा क्योंकि आप कितने स्कूटी वगैरह आप चलाते हैं उससे कई ज़्यादा आपको बेनिफिट। ये सर को देखिए कितनी अच्छी साइकिल चला रहे हैं, एज उनके इंजन की 55+ होगी समथिंग, क्योंकि जिस तरीके से इनके बाल आ रहे हैं शरीर में, गाड़ियाँ निकल रही हैं। इसके अंदर PM भी हो सकते हैं हमारे मोदी जी, कितनी सिक्योरिटी रहती है बीच में, और कितनी एडल्ट सिक्योरिटी है। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं राष्ट्रपति भवन, और इसका पीछे का आप व्यू देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। और सुबह के टाइम पे अगर आप यहाँ नहीं आए तो फिर कहाँ जाने का मूड है सुबह साइकिल राइड के लिए। तो मैं कहता हूँ इससे खूबसूरत जगह नहीं है राष्ट्रपति भवन, और राजपथ का नाम बदल के तो वह पथ रखा गया है, और काफ़ी खूबसूरत यहाँ व्यू। और पीछे और पीछे हम रेल लाइट पे खड़े हैं यहाँ, चारों तरफ यहाँ रेल लाइट, और पीछे की तरफ आप देख सकते हैं मेरे पार्लियामेंट हाउस है, और इसलिए बैक साइड एक और नया पार्लियामेंट हाउस बन रहा है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर, और आपको भी आना चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और ऐसे ही इंजॉय करते रहिए। और अभी तो वीडियो अभी बाकी है, स्किप ना करें, अभी और आगे वीडियो शेयर करता रहूँ आपके साथ। रास्ता दिखाऊंगा तो कितना खूबसूरत व्यू है ये इंडिया गेट की तरफ, कितना खूबसूरत व्यू। अगर आप यहाँ नहीं आए ना दिल्ली के अंदर, तो आप फिर कहीं मत जाइएगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर आप यहाँ नहीं आए तो फिर आपने ये चीज़ बड़ी मिस कर दी है, और इसको मिस मत करिए। और रोज़ सुबह आइए, बहुत अच्छा लगेगा, और आज वैसे ही संडे है, हॉलीडे। सो गाइस अभी अंदर थे, अब राष्ट्रपति भवन के जस्ट आगे बैठे हैं सीढ़ियों के पास। काफ़ी अच्छा लगा, सुबह से निकल कर आए हैं, और यार कल का मैच इंडिया पाकिस्तान का जिस तरीके से यहाँ मैच लगा था, कि एक समय पर लग रहा था जब रोहित शर्मा और विराट कोहली आउट हो गए थे तो इंडिया के रन नहीं बन पाएंगे, पर जिस तरीके से
ईशान किशन और हार्दिक पांडे ने जिस तरीके से रन बनाया अपनी टीम के लिए, अपने देश के लिए, पर उसके बाद बारिश हो गई थी, उसके बाद मैच ही ड्रॉ कर दिया, किसी के पक्ष में ही नहीं गया, तो बहुत बुरा भी लग रहा है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। एशिया कप का ये मैच था और अभी तो वर्ल्ड कप आना बाकी है, तो आप कितने एक्साइटेड है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए, और आप सभी को आना चाहिए ऐसी जगह पर, अगर साइकिल के साथ आएंगे तो ज़्यादा फिट रहेंगे, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। तो लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और एक राम राम मेरा भाइयों, थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब करना ना भूलें जाते जाते, लव यू, आप सभी का प्यार ऐसे ही बना रहे ऑल वीडियो के साथ, मैं और वीडियो लाता रहूँगा। अभी तो साइकिल ली थी तो साइकिल के साथ राइड करी थी, फिर क्रिकेट की वीडियो मैं डालता ही रहता हूँ। साइकिल पे नज़र मारते हैं तो खूबसूरत लग रही है यहाँ से देखने में, और इंडिया गेट और क्या व्यू दिख रहा है यार, ऑसम, मन कर रहा है यहाँ से जाने का, मन ही नहीं कर रहा जाने का। आप देख सकते हैं कितनी शांति है और कितनी सिक्योरिटी है, ये हमारी दिल्ली पुलिस और ये है राष्ट्रपति भवन।